ਬਾਕੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਆ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਲਿੰਬ ਲੀਆਂ ਨੇ ਗੀ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾ ਲਿੰਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸੇੜਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਲਿੰਬ ਲਵੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ खाला जान लगी हुई है काम नू ते रात में खाला छड़न जा नहीं लग्या सीगा ते मोटरसाइकिल स्टार्ट कर करके स्टार्ट ही नहीं होया क्योंकि मोबाइल वगैरह जेड़ा है यकीनन बिल्कुल खत्म होया फिरदा है इंजन चो ते इंजन उनका बेकार हो गया मैं जाके ना मिस्त्री चेक भी कराया कहिंदा पे भाई इंजन बेहतर है मोटरसाइकिल ना तू चेंज कर ला इंदा इंजन बेकार ही है तू इंदे पैसे लावेगा तेनू कोई फायदा नहीं तो मेरा तो बस यही ख्वाब सीगा कि अच्छा जहाँ मोटरसाइकिल हो गए जो तमी जान दिन जाके दवाई वगैरह ले आव एक दिन होगा इनशाला एक दिन होगा अबू जान कह मैं अज तो उन्होंने कहना है कमेटी वगैरह पा लो या एडवांस वगैरह दे के ना औखा सौखा तो आप मोटरसाइकिल एक नवा लवीए इनका कोई नहीं हालत हैगी मोटरसाइकिल ये हो सकता है कि इन जितने का बिकता है ना एवं वेच दी कबाड़ है तो वेचिए तो किधरे दो तीन हज़ार का बिकना है लोहे के हिसाब न लेकिन इनू बेचा थोड़ा जहाँ ठीक करा के वेच के इन्दे जे पैसे कोई तू आप को ला के एडवांस दे के कमेटी वाले को मोटरसाइकिल लेने लेकिन मेरा ख्वाब सीगा कि एक दिन ना मैं 1 to 5 अपलाइड फार लवांगा वह भी एक दिन पूरा होगा मेरा सपना तो बाकी खाला जान अज पूरा किचन जोड़ा है लिंबेगी क्यों खाला कह रही हैगी हूँ मैं दो तीन दिन रह जानी आगी तो किचन लिंब के जावगी खालू जान को टाइम नहीं है वो कल आए थे इन्होंने छड़ के चले गए उन्होंने थोड़ी जी छत छ लिंबवाई थी थोड़े थलो गारा फटाते रहे थे खाला कह रही अज मैं मुकम्मल कर लवानगी चलो ठीक है करो तो मैं कोशिश करांगा कि पौड़ी वगैरह जी डा देव जब तुम मोटरसाइकिल की हालत विखाना उनकी हालत की हुई भी है तो यह कल खाला ने काम किया माशाला अम्मी नालों भी खूबसूरत काम करती खाला बाकी हूँ जब तुम मोटरसाइकिल विखाना बाकी सी मोटरसाइकिल की हालत वेख सकते हो फ्रंट साइड लाइट जी है भी इनकी गिर गई हैगी क्योंकि आ एक साइड उनकी टुट गई सी दूसरी साइड जी नट खोल के डेगी मैं चक के लै आया सके पैदान वगैरह में कोई चीज़ नहीं है बैरंग दारा इंज निकलिया फिर दिया ने सारा कुछ तो हब जी है फिर त्रुट गई हाँ देखो हब थोड़ी रखता है आ जगह अंगू ना सारी टुट गई है बेकार एक तरह ने किन पेगा तो स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि ना खोल के तुम खा ही देव पता नहीं खुलता भी है कि नहीं 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 इंज नहीं खुलना बिल्कुल मुबलाइल ही खत्म हो गया आ भी खुल गया सलंसर सारा ना थलो आवाज करता है तो बाकी एक होर भी तुम चीज विखानी थी अज तुम टूटिया फुटिया चीजा विखा रहा कि जेड़ा अपना एयर कूलर सीगा नवा एसी वह दो तीन दिन नहीं चलिया है क्योंकि पहले ही सारा टूटिया फुटे हुआ सीगा तो उन्हें देखो आ लत्त जी सारिया टुट गई वखरे हो गया वखरे हो गया यह भी इंशाला तला ना एक ना एक दिन असं नवा लवेंगे हूँ गर्मियाँ तो आ भी अगर शुरू तो हूँ हो रही है असल गर्मियाँ लैना तो इन्ना गर्मियों चाहिए सर लेकिन इन्ना गर्मी गुंजाइश नहीं बन रही अगलिया गर्मियों इंशाला तला नवा लवेंगे तो इधर जी शहर दी मक्खियां ने हूँ इतने फ्रंट साइड से छत्ता बना लिया अंदरों लकड़ा तोड़ के ना इतने आ गई ने गए तुम देख सकते हो किनिया फिर ने ये हम चाचू मिस्त्री पता लगेगा जो इतों ना प्लस्तर करेगा इन्हें चिंबड़ जाना है मैं कहना इतने ने अपना एक छत्ता बना लवान इन्हें शायद आप लै लेना है तो इन्हों उड़ा देना है एक इन शायद इतने बनावन दो पता नहीं छत्ता बना भी रही नहीं एडजस्ट तो हो रही ने वेख रहे हैं गया कल यकीनन चाचू मिस्त्री बड़ा मुश्किल ना बचे क्योंकि उन्होंने कोथों तो इट थुड़की सी उत्ते जाके इन्हें छत्ते लगी बेचारियां बाहर उड़ के आ गई इतने तो उन्होंने चिंबड़ लगियां सी जल्दी जल्दी थले ले आया चलो ठीक है इतने बना लवान हूँ अपना छत्ता मेरे तो घर तो इन्होंने कब्जा कर लिया थले लगन लगे डर लगेगा वेखो किनिया उड़िया फिर दी तो खाला जल्दी जल्दी ना लिंबी की जा रही है अम्मी को इतना तेजी नाल ना नहीं काम होंगे इतना तेजी ना खाला कर लेंदी क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब रहती सी तो सफाई ना भी खाला काम कर रही है वेख सकते हो
किचन बहुत प्यारा लगेगा, बस करना काम मुकम्मल आन दो, क्यों खाला जान काम मुकम्मल कराना है। तो खाला जान का मियान करीब चैनल जोड़ा है तुम मैं दस देवगा, एक दो वीडियो आप अपलोड कर लवी है, क्योंकि खाला तो हाली तक मोबाइल भी नहीं आया, मोबाइल भी जाके लेना है। खाला और यकीन ना बड़ा मुश्किल ना मोबाइल के पैसे कट्टे किए, कहते असं भी चैनल बनावे, इन्होंने शौक हैगा, तो कुछ घर के हालात इन्होंने माड़े ने गे जिस वजह से चैनल बनावन लगे ने गे। तो तकरीबन 15,000 रुपया इन्होंने क्या मोबाइल ले लें, उस तो बाद फिर अल्लाह गुंजाइश दिती थे अगे और कुछ चंगा मोबाइल ले लवेंगे। एक करी व्लॉगिंग चैनल हाँ गुजारा हो जाए, चैनल शुरू कर देने, उस बाद अल्लाह खैर करेगा, जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, की पता मेरे ना ज़्यादा दाड़ा चैनल चल जाए। दीवारा सारिया खाला लिबलिया ने गई, तुम थलों तला लिंबन लगी है, थोड़ी थोड़ी थले खाला मिट्टी सेटती, मैं कई जगह लेवल नाम ना उत्थे माले लेवल करके लिंब लवी, तो अम्मी जान उत्ते खलो के वेख रही है। अम्मी आज जिद कर रही थी कि मैं भी नाल काम करांगी, लेकिन अम्मी ने मैं क्या तू काम नहीं करना, यह है भी तू इतने खलो उत्ते वेखती रहे। आप जब भी रहो खुश रहो, तो बात रहो हंसते रहो, तो मुस्कराते रहो, तो मेरे किचन जो है ना उनके साथ हमें बहुत अनुभव में यार देख लो कि सीधे ना हम किचन सा माशाला कि ना खाना ना गया है, क्योंकि पहले तो हड्डू ही गिंदा हो गया सी, ऐसा कोई हाल भी नहीं सी पहले। मैं यकीन डिसीजन किया सी मैं खुद इन ठीक करा, लेकिन खाला ने राती कहता है मैं मुकम्मल करके हम देख के जावा करके देवगी, तो हसन का यही इरादा है कि मैं बकरा ईद तो पहले पहले मैं किचन तैयार करके अच्छे रेसिपियाँ। हाँ बकरा ईद का दिन ना रेसिपियाँ दो तीन ऐसा को बनवानी है, मैं ही बनानी हूँ इंशाल्लाह। साढ़े मिस्त्री इधरों चले गए ने गे, साढ़े गवानी वाले पहले लगे हुए दो तीन दिनों छुट्टी से रहने, हूँ फिर लग गए ने गे, हूँ उन्होंने कमरा बन रहा है हथौड़ी नहीं मिल रही जिन्हें तोड़ना है, क्योंकि चाचू मिस्त्री अपने हथियार लाके चले गए। इस जगह तू सीढ़ी है बनानी है उत्तर इन्हें तो आते इटा कम पै जानिया ने होर भी लैनिया पैनिया। हाँ इनशाला बाकी मैं अगे हालत विखा रहा है, मैं गर्मी बहुत ज्यादा है तो पखे की हालत ही है, ये टूट गया है पहले ना टूटे तकरीबन आज तू कर लो 10-12 साल पहले से है पखा, मैं उस छोटा ही अम्मी कहती जो लिया तकरीबन 3 साल जो मैं पखा। हाँ खाला खाला इनके नाल ही पे होगा, लेकिन इन्होंने सामभ के रखे हुआ, खाला कह रही थी उन्हें मोटर साड़ी भी ठीक करा लवेंगे, मैं क्या हाँ दुकान उसे हाँ यूज होंगे ऐसे वजह तो मैं वही कह रहा थी कि गर्मियाँ तो होने शुरू हो रही हैं नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं आप ले लेंगे हूँ। यकीन कोशिश तो हैगी कि सोमवार को या मंगल को ना लाहौर जरूर जाइए। चलो कोशिश करांगे, कन्फर्म नहीं तुम दसने सोमवार या मंगल की गल रख दें, की पता अस चले जाइए सोमवार या मंगल। बाकी खाला जी है की पता अज ना काम मुकम्मल, लेकिन मैंने जिमें खाला स्पीड भी खीरे नमी अज ही काम मुकम्मल हो जाना, कल इन्हें वेख लो निमाशी निमाशी कितना उतों लग के इतनी लिंबरी सी आने अगली इतनी हूँ उन्हें चो लिंबरी है थलो तला ही लिंबी खोती है। हाँ तो हूँ मैं फिर ना जो कमरे ने थोड़ा घना लेवल कर दिना कि अंदर ना असी मंजी वगैरह पा सकी, क्योंकि तुम वेख सकते हो कमरे जे उच्चे नीवे जे ने अंदर जी मिट्टी हैगी इन बिल्कुल लेवल करना, बहरों को चक के सीटनी पी बहरों चक के उसे सीट के ना तो अंदर इन्ना तला जरा बराबर बिल्कुल लेवल करना है कि अंदर मंजी वगैरह पा सकी। बाकी नाल खाला गारा भी देना होंगे है, मैं आप पहुंचे ही आ गया खाला पुछो आ गई कहती गारा तो पहले दे दी, उस तो बाद तो नहीं कोई कर लेंगे कमरे बाद एक करना पहले गारा।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰੁਗੜ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਰੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਲਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਚੂ ਨਾ ਇਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰੋੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਚਨ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਚਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਿਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਗਰਮਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਚਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਲਾ ਲਿੰਬ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬਨੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿੰਬਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਲਿੰਬਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਖਾਲਾਂ ਜਾਣ ਸੁਬਹਾ ਲਿੰਬਦੇ ਬਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਬਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅੰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਸ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਥੱਕੀ ਖੋਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਤਬੀਅਤ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਉਸ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਬਹਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਜਾਵੀਏ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ 12-1 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤਬੀਅਤ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਥਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਲਿੰਬ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੁਆ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਨੋ ਖਾਈ, ਅੱਜ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਆ ਕਚਰਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।
ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਗਲਿਆ ਚਿਕਨ ਦਾ ਗੱਸਾ ਲੈਣ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਕਿਚਨ ਕੇ पेंडू ये बंदे ठीक तरह नहीं बुलाना आंदा ये भी बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जबान आलू मैं तो कहना थोड़े जे पा लो ज्यादा ना पाओ ज्यादा बारीक ही ना कराए थोड़े मोटे मोटे डक्के मोटे मोटे पावे हां के जायका आवे ना माशाल्लाह आज की मैं लिए बाल पे फोड़ के रखनी मसाला ये बीच में पा छड़ेगा कि जितने जरा मर जाएगा तो मिक्स करके आगे पा देवांगी माशाल्लाह मरचा तैयार है ना ओ भोज के पे फोड़े देते हैं पानी पानी माशाल्लाह मर्चा तैयार करें मैं भोज गया तो हम लोग देखते हैं पानी 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 हमें टमाटर पा रहे हैं हल्दी तो लाल मिर्चा ये और ज्यादा जो मसाले वो मैं नहीं पा रही क्योंकि मैं जो खा लो मैंने मसाले मसाला मैंने घबराहट हो रहा है यार खान ना करके ना तो मैं मसाले थोड़े घबरा के इस्तेमाल करूँगी मसाला जी अच्छी तरह गैप हुई तो होने के मैं पा दें चिकन माशाल्लाह गोश्त जेड़ा ने मैं अच्छी तरह पहले भून लवांगी तो उस तो बाद इन पावांगी आलू ते आलू मैं पा रही हूं असन दी फरमाइश है क्योंकि असन क्या कि बीच में दो तीन आलू भी पा दे जेड़ा ना थोड़ा बीच थोड़ा जे गाढ़ा हो जाएगा इस तरह माशाल्लाह भोने जी ने मैं अच्छी तरह लिए लाते हैं उन्होंने बहुत सोने के बीच पा देंगे पानी जी सट्टा गुन के तंदूरी गर्म की अज मैं अपने भैन भी रवन तंदूर की रोटियां पका के बखावगी क्योंकि जेडे ना काफ़ी सारे मेरे भैन भाई कमेंट चाहते थे कि बाजी तेरे एक दिन तंदूर की रोटियां ने वो बड़ी मज़ेदार आदि ने तो अज मैं इंशाला तंदूर की रोटियां जी ला कर अपने भैन रवन खा लेंगे तैयार होने की कोल मैं रोटियां पका लाँगी तो असा की खाला जी किचन भी आज माशाला जो ना काफ़ी खूबसूरत जो ना बना दिता है अगे तो इन्ना दिल भी नहीं करता सी वेखा तो कि खूबसूरत बन गया तो ऐशा फातमा जी तंदूरी पालन पा गई तंदूरी जी बिल्कुल गर्म ही खड़े तंदूरी जी माशाला जी बात हूँ मैं लाने लगी रोटियां बड़े तो हो गए तंदूरी की रोटियां नहीं लाइया तो आगे मैं खाने तंदूरी की रोटियां ला के अपने भैन भरा उन्होंने खा दें रोटियां जी माशाल्लाह मैं लई पका तो एक रोटी जी बिच खड़ी हुई है एक रोटी तो एक गुली साइड तक ली है तो माशाल्लाह रोटी सारी गई पा के हूँ जाके ना तो सारे देनी हाँ सालन ही माशाल्लाह तैयार होया पैना खाना जी अम्मी ने पका लिया है लेकिन मैं रेस्ट कर रहा है तो बहर बच्चों ने अम्मी ने खाना दे दिता है तो मेरा भी आ गया मैं भी खा लेना आ गया तो भी लोग जोड़ा है कि पता है थोड़ा लेट अपलोड हो क्योंकि हाल ही तक भी नहीं सर्विस आई टेलीनार की सिम की ना सर्विस नहीं आ रही तो बाकी जी सिमा नहीं है उन्होंने भी थोड़े गने सिग्नल आ रहे हैं रोटी जी मैं खा ली है कि यकीन बड़े दिन बाद अम्मी जी हाथों का खाना खाया है
ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਲਨ ਐਸ਼ਾ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਮੈਂ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਪਕਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਠਲ ਚੱਕ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਕੋ ਯਕੀਨਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਲਵੀ ਤਾਂ 1,50,000 ਰੁਪਈਏ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਯਾਦ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।